बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बालू की 20-30 फुट गहरी खदान के कारण अपनी कृषि योग्य जमीने व गांव में बाढ़ के खतरे को भांपकर वहां के किसान हुए लामबंद। तहसील निगासन के मांझा ग्राम सभा में जौहरा नदी के किनारे जहां लगभग 10 वर्ष पूर्व नदी बहती थी, अब वहां वर्षों पूर्व जमीन छोड़ दी है। इसमें किसानों की फसल लहलहा रही है। ऐसी जमीन का पलिया निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम हैप्पी बताया जा रहा है, न जाने कैसे अपने नाम बालू खनन का पट्टा करवा लिया। प्रधान संतोष के अनुसार अब तक पट्टाधारियों ने जिस जगह बालू खदान के ट्रेंच लगाए हैं, वहां बड़ी बड़ी मशीनें से किसानों के गन्ने की फसल काट कर फेंकने के बाद जमीन की ऊपरी सतह जिसमें लगभग 10 फुट मटियार गुणवत्ता वाली कृषि उपजाऊ जमीन को ऊपर से खोदकर इधर उधर कर 10 फुट से नीचे वाली बालू का खनन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। धरना विरोध स्थल पर पहुंचे तहसीलदार निगासन से जब पूछा गया कि बालू खनन के लिए कितनी गहराई तक खोद करके रेत बालू निकाली जा सकती है, तो उन्होंने 3 मीटर की गहराई तक खनन किया जाना चाहिए ऐसा बताया। इसके जवाब में तहसीलदार ने किसानों से कहा कि 3 दिन बाद खनन इंस्पेक्टर यहाँ आएंगे और स्वयं देखेंगे।